दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम है जो लोकसभा के चुनाव जो हुए हैं और उनके जो रिजल्ट निकले हैं उसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर गहराई से पड़ने जा रहा है। अब आपको मालूम है कि भाजपा इस बार 272 का बहुमत का आंकड़ा भी छूने से दूर रह गई है और आने वाले समय में हरियाणा, महाराष्ट्र और तीसरा राज्य है झारखंड, इन तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने इसी साल के अंत तक तय है। तो इन हालातों में यदि लोकसभा चुनावों की तरह विधानसभाओं में भी भाजपा का परिणाम रिजल्ट लचर रहा और इसमें भाजपा मनचाहा परिणाम नहीं निकाल पाई तो आने वाले अगले और जो विधानसभा चुनाव होने हैं और 5 साल जो सरकार चलने की बात कही जा रही है तो उस हालत में केंद्र सरकार के लिए कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इस कड़ी में जो हम कहना चाह रहे हैं कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से हटाकर जेल में डाला गया, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से तोड़फोड़ करके एनसीपी और शिवसेना को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, उस नीति के तहत या उन कारणों के चलते झारखंड और महाराष्ट्र से जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं और उन्हीं के तहत विधानसभा के चुनावों की जो संभावनाएं बन रही हैं वो भाजपा के हक में दिखाई नहीं देती हैं। अब बचा तीसरा राज्य हरियाणा। हरियाणा को भाजपा हाईकमान किसी भी कीमत पर अपनी पकड़ से दूर जाने नहीं देना चाहता है और भाजपा और आरएसएस के नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है और जो बात हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं कि इस मामले में आरएसएस का भी ये कहना है कि हरियाणा में येन केन प्रकेन भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लौटना चाहिए और उसके लिए भाजपा को चाहे कुछ भी करना पड़े। और आप कुछ भी करने का मतलब समझते हैं कि राजनीति में क्या होता है। दोस्तों जो मैंने आरएसएस की बात आपको बताई और जो मंत्रणा भाजपा आला नेताओं और आरएसएस के नेताओं के बीच हुई है उसके अनुसार वो हरियाणा में किसी भी कीमत पर आने वाला विधानसभा चुनाव जीतना चाहेगी और उसके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उस पर भाजपा आला कमान ने काम भी शुरू कर दिया है और उसी नियत के तहत कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधु और उनकी पोती सुते चौधरी जो भिवानी से 2 बार सांसद रही हैं उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। वो दोनों माँ बेटी भाजपा में शामिल हो गए और ये बहुत बड़ी बात है। और भी कई नेताओं के बारे में भाजपा के खेमे में ये चर्चा चल रही है कि जो हुड्डा खेमे से कांग्रेसी नेता नाराज हैं या विधायक नाराज हैं या जो भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं और भाजपा आला कमान इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सारे माहौल में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो कहा जा रहा है कि भाजपा लोकसभा वाली गलती पुनः नहीं दोहराएगी और इस बार ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं
कि हर कीमत पर दुष्यंत चौटाला यानी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी के साथ भाजपा को हरियाणा में चुनावी गठबंधन करना चाहिए। जेजेपी को साथ लेकर वो जाटों को साधना चाहते हैं। क्योंकि स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हरियाणा में जिस तरीके से 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली, 10 में से 5 पर कब्जा कर लिया, जबकि भाजपा पिछली बार 10 की 10 सीट जीती थी, लेकिन जो वोटों का या मतदाताओं का जो माहौल हरियाणा में बना है कि जाट, मजदूर, दलित, मुस्लिम ये एक तरफ कांग्रेस की तरफ आ गए हैं, उसी की वजह से कांग्रेस 5 सीट जीत पाई है। और कांग्रेस भी एक और कोशिश कर रही है कि इन तबकों को और ज़्यादा मजबूती के साथ कांग्रेस से जोड़ा जाए, बल्कि ब्राह्मणों, ओबीसी या जो अन्य समुदाय के 36 बिरादरी के लोग हैं जिनको भाजपा में सम्मान नहीं मिला है, उनको तेजी के साथ विधानसभा चुनावों से पहले पहले भाजपा से जोड़कर फिर हरियाणा की सत्ता पर कब्जा किया जाए। तो दोस्तों, अब ये देखने की बात है कि आने वाले समय में जिस तरीके से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, कांग्रेस के और कितने विकेट गिरते हैं जिससे कि कांग्रेस कमज़ोर हो और भाजपा के लिए रास्ता आसान हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बेशक इस तरीके की प्रयास भाजपा नेतृत्व करेगा, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। और वैसे भी जो माहौल लोकसभा चुनाव में बना है और जो जनता कई कारणों के चलते, चाहे वो महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे शहरों की और गांवों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, उनसे आम जनता, प्रदेश की जनता बहुत खुश नहीं है भाजपा सरकार से। तो उन हालातों में भाजपा जो ये प्रयास करने जा रही है वो कितने साकार होंगे, उसमें कितनी सफलता मिलेगी। और कहा यह भी जा रहा है चौधरी उदयभान जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खेमा भी ये दावा कर रहा है कि भाजपा के भी कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, कई विधायक भी कांग्रेस में, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं। यानी जो प्रयास भाजपा हर हालत में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कोशिश हरियाणा में करने जा रही है, तो उधर कांग्रेस खेमा भी, कांग्रेस नेतृत्व भी उसी तर्ज पर कई भाजपाओं के नेताओं के कांग्रेस में आने की संभावना जता रही है। और ऐसा लग भी रहा है कि कुछ नेता भाजपा के कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो दुष्यंत चौटाला वाला मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। यदि जेजेपी और भाजपा का चुनावी गठबंधन हो जाता है तो शायद भाजपा को कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जानकार राजनीति के पंडित, तो पंडित जो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस बार कुछ भी कर ले, कितने नेताओं को ये तोड़ कर ले आए, लेकिन जनता को भाजपा नहीं तोड़ सकती। भाजपा से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है और इसलिए भाजपा के ये जो तौर तरीके हैं उसको कितनी कामयाबी दिला पाएंगे और तीसरी बार क्या ये उनके जो कांग्रेस को तोड़कर या उन अन्य दलों को तोड़कर या जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करके तीसरी बार उसको सत्ता में वापसी करवा पाएंगे, ये आने वाले विधानसभा चुनावों में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि हरियाणा में, हरियाणा की राजनीति कितनी तेज़ी से बदल रही है और कौन किधर जाएगा। आमतौर पर आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव हों चाहे विधानसभा चुनाव हों, उस दौर में या उससे पहले बहुत सारी पार्टियों को नेता इधर से उधर होते ही रहते हैं, ये एक आम बात है, स्वाभाविक बात है। लेकिन इन नेताओं के आने जाने से कितना फर्क पड़ेगा ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर एक नए मुद्दे पर, नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।